हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ पूजा. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज बहुत ब्राइट एंड सनी डे निकला है. इट्स क्वाइट ब्राइट. कल रात हुई थी स्नो. आज जीजू गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक पे एंड टू प्ले इन स्नो. बट हमारी तो हिम्मत नहीं थी इतनी सुबह सुबह ट्रैक पे जाने की, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी. सो वी आर जस्ट लीविंग. अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद निकलेंगे कहीं. जहाँ भी जाएंगे आई कीप गिविंग यू गाइज अपडेट. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द ब्लॉग टिल द एंड. यू कैन सी द सन किस लुक बिकॉज इट्स क्वाइट ब्राइट एंड सनी टुडे. अच्छा बताओ अभी हम कहाँ जा रहे हैं? We are going to Thanolty. हाँ. And one temple is there, Sarkunda Devi. हाँ, जहाँ पे सती माता का सर गिरा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. ओके. और Thanolty यहाँ से कितना हाइट पे है? Thanolty यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है. ओ बाप रे, तो वो तो अलॉट ना, 12 किलोमीटर तो काफी ज्यादा है. और रोड कैसा हुआ मैं ये नहीं पता अभी. हाँ. वेदर इज एडवर्स है काफी. ओ गॉड, लेट्स सी, होप फॉर गुड. ओके चलो चलिए, बाय बाय. सो गाइज, जैसा कि आपने सुना द वेदर इज एडवर्स देयर. बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत हाइट पे है Thanolty एंड द टेम्पल दैट वी आर गोइंग टू. इट्स अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस कनाथल इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. बिकॉज यहाँ पे बहुत फेमस ये वाला टेम्पल है. यहाँ पे माता सती का, यानी कि पार्वती जी का जो रूप था, सती का रूप, उनका धड़ गिरा था. दैट इज़ उनका सर यहाँ गिरा था. जहाँ जहाँ उनके हर बॉडी पार्ट्स गिरे हैं, वहाँ वहाँ पे फेमस टेम्पल्स बिल्ड हुए थे. और ये है वो टेम्पल जहाँ पे उनका सर गिरा था. सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट दिस हिंदू, यू नो. सो हाँ, बस अब हम लोग निकल रहे हैं. इस हिस्ट्री के बारे में, रादर अबाउट दिस हिंदू कल्चर और हिस्ट्री की, ये सती माता के धड़ जगह जगह क्यों गिरे थे और क्यों वहाँ पे टेंपल्स बने, ये मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊँगी. या एंड बस अभी तो हम लोग निकल रहे हैं. सो निकल दिए हैं हम लोग. बच्चे नहीं आए हैं, तीनों बच्चे रूम्स में हैं. बिकॉज इट इज़ एडवाइजेबल दैट वी डोंट टेक किड्स अलॉन्ग, क्योंकि इट इज़ एट अ हायर एल्टीट्यूड और बहुत ज़्यादा ठंड है. और सुबह मैं जितना खुश हो रही थी धूप देख के कि इट्स अ ब्राइट सनी डे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ है. सन तो छोड़ो, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अब. एंड हम लोग निकल दिए हैं. देखो, आई होप सब सही से हो जाए, हमारे दर्शन भी और घूमना भी. पम्मे, वो कौन सा टेम्पल है, नाम क्या है उस टेम्पल का? सुराकुंडा टेम्पल है ना, जहाँ पे सती माता का सर गिरा था. और कह रहे 10-12 किलोमीटर है ना यहाँ से. नहीं, 10-12 किलोमीटर की चढ़ाई तो बहुत लंबी हो जाती है पहाड़ों में. 1.9 मीटर्स वॉकिंग का है कुछ बता रहे हैं. अच्छा. From resort is around 7-8 kilometers. अच्छा अच्छा. From there we have to walk for 1.5 kilometer or 1.25 kilometers. Oh. और points to mention, Rajay, it is 2,756 meters at a higher altitude. And Ganga Dashera यहाँ का celebrated between May and June is very beautifully celebrated here. नहीं, 2,500 कितना? 2,756. 2,756 above sea level. हाँ. Surrounded by dense forest. और यहाँ पे बीच-बीच में adventure है बच्चों के लिए. हाँ. लैप्स में भी adventure है. हाँ, adventure तो हम आके कर सकते हैं ना, बच्चों को पाल ले जाएंगे. हाँ. और यहाँ पे temperature है guys 4 degrees फिलहाल. ऊपर कितना होगा वी हैव नो क्लू.
अच्छा रोप वे भी है और वॉकिंग का रास्ता हाँ, भी है, हमें रोप वे मिला तो रोप वे लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। So that's me and Jiju and we are taking a horse ride. Harsh और प्रमिला नहीं आए, they said we are very scared of horse. हम लोग ऊपर चढ़ाई कर लेंगे पैदल, but I doubt वो complete कर पाएंगे because बहुत steep है और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है, slippery भी है, मुश्किल है। और horse तो मेरा favorite animal है, I love horse ride, so मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये भैया हमारी वीडियो बनाएंगे, टाइमिंग नहीं बता रहा, बट भाई वीडियो के चक्कर में कहीं मैं ना गिर जाऊं। ना मैडम, नहीं कहीं नहीं गिरोगे, ट्रेंड घोड़ा ट्रेंड है मैडम हमारा। अब देखो, अब व्यू देखो, पल्ली साइड। ओह वाओ, ये देखो, अब यहां के लिए बोल रहा था मैं। वाओ, अरे घोड़े को पकड़ ले। अरे टेंशन मत लो, खुद मर जाएगा मैडम। ए लो, अब कितनी मस्त व्यू आ रही, देखो वीडियो में बहुत मस्त आ रही है। सो आ गए हैं गाइस हम लोग, बहुत डिफ़िकल्ट चढ़ाई थी, पैदल तो हरगिज़ नहीं हो पाती, हो भी जाती तो मतलब बहुत टाइम लगता, एटलीस्ट एक डेढ़ घंटा लगता। हॉर्स पे बड़े आराम से हम लोग चढ़ गए, डरने की कोई बात ही नहीं थी, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड दे नो वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू टर्न, दे आर सो वेरी वेल ट्रेन्ड बिकॉज दे डू दिस डे इन एंड आउट। और अभी यहाँ से थोड़ी सी और हमें चढ़ाई पैदल चढ़नी है बिकॉज वहाँ तक घोड़े नहीं जाते, तो पैदल हम ये थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे एंड देयर आई कैन सी द टेम्पल। एंड चढ़ते समय तो मैं सच में ये सोच रही थी कि पार्वती माता, ये आपने कहाँ पे मंदिर बनवा लिया अपना, इतना इतनी ऊंचाई पे। ओके, सो लेट्स गो एंड एंड आई बिलीव वहाँ पे काफ़ी स्नो है, कल रात भी स्नोफॉल हुई थी। So I will give you guys a tour, a virtual tour of this place and the temple, if I am allowed to shoot inside the temple. Otherwise, मैं दर्शन करके आपको बताऊंगी। So there's the temple, guys. और प्रमिला और हर्ष भी timely पहुंच गए थे. We thought they'll get very late, but नहीं, वो लोग timely पहुंच गए थे. So अब हम जा रहे हैं मंदिर में. ओ गॉड, बंदर है यहाँ पे, सो वी बेटर कीप आर फोन्स इनसाइड बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ स्नैचिंग आर फोन्स। तो मंकीज आर केपेबल टू स्नैच आर फोन, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू व्लॉग हियर, पहले अपने मंदिर के दर्शन निपटा दूं एंड देन आई विल सी यू गाइस। सो पहले हमने कहा कि पहले प्रमिला और जीजू चले जाएं, उसके बाद मैं और हर्ष चले जाएंगे बिकॉज हमारे शूज और हैंड बैग वगैरह का भी ध्यान रखना है। क्या कलर है? So, प्रमिला और जीजू के हो गए दर्शन, नाउ आई एम गोइंग विद हर्ष। अब पूजा के दर्शन हो चुके हैं एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस, द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस शी हैज गॉट थ्रू हर स्माइल्स। जय माता रानी की। Believed that after the death of Sati Mata, Lord Shiva carried her lifeless body and started performing the dance of destruction, which is Tandav. But to save the universe, Lord Vishnu decided to cut Goddess Sati's body into 51 pieces, and each of these body parts fell in 51 different places, and that is why we have 51 Shakti Peeth. And this place where Goddess Sati's head was fallen, this is where the temple Surkanda Devi is. So ideally, this is one of the 51 Shakti Peeths. And you know guys, the best trip, the best thing about this trip after this darshan is the snowfall.
स्नोफॉल हो रही है. आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट, वाइट वाइट स्पॉट्स मेरी जैकेट्स पे गिर रहे हैं. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट. या सी, ओ हाउ ब्यूटिफुल. ओ आई एम मिसिंग माई चिल्ड्रन. सी, कैन यू सी गाइस, और जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो इतना खुश हो के, यू नो, देवर क्लैपिंग, देवर शाउटिंग, देवर हूटिंग कि फाइनली स्नोफॉल हो गई है. ओ गॉड, लुक एट दिस. मेरे बालों पे, मेरे जैकेट पे, एवरीवेयर. सी, ये देखिए. तो गाइस, बस हम लोग निकल चुके हैं एंड बहुत ही मज़ेदार ये था जर्नी टू द टेम्पल एंड वे बैक. जाते समय तो हम घोड़े से गए थे, वी टुक अ हॉर्स राइड. आते समय हम अपने आप ही उतर के आए एंड स्नोफॉल दिखा. अभी यहाँ भी नीचे भी स्नोफॉल हो रहा है. बहुत मज़ा आया एंड आई विल टॉक टू यू गाइस इन डिटेल अबाउट दिस टेम्पल एंड अबाउट दिस प्लेस एवरीथिंग एक बार होटल पहुँच जाए. एंड काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई रील्स के लिए. सो वी आर जस्ट लीविंग नाउ टू द होटल. बहुत मज़ेदार था, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए एंड इट वाज क्वाइट प्लेजेंट टू सी द क्राउड नापम में. और इतने सारे यंगस्टर्स, हाँ, इतने यंगस्टर्स थे एंड दे वर सो एंथुसियास्टिक दैट गेव मोर एनर्जी टू अस. या ट्रू ट्रू. सो हैट्स ऑफ टू प्रमिला एंड हर्ष, जो इन्होंने हॉर्स राइड नहीं ली, ये पूरी चढ़ाई पैदल चल के आए हैं. इट वॉज नॉट ईजी, माई गुडनेस, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि इतना स्टीप और बहुत डिफिकल्ट और जगह जगह थोड़ी थोड़ी स्नो होने की वजह से स्लिपरी भी बहुत था. सो हैट्स ऑफ टू देम. होटल रूम फ्रेंड्स आ गए थे, आके खाना निपटाया, थोड़ा बहुत खाना खाया, चाय पी गर्मा गर्म. हमने बोल के बनवाई कि अदरक और मसाले वाली चाय बना दो, चाय पी और उसके बाद अब हम रूम में आ गए हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे. बट मुझे रिलैक्स करने से पहले अपना कल वाला ब्लॉग डालना, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ. एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड इट येट, प्लीज़ गो वॉच इट नाउ. यू कैन वॉच ऑल माई ट्रैवल व्लॉग्स. अभी तक मैंने शायद 3 ट्रैवल व्लॉग्स डाले हैं, सो यू कैन गो वॉच दैट. मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ फिर आपसे. हे गाइस, बहुत रात हो गई है. आज तो मैं डिनर करने नीचे भी नहीं गई, मैंने आज डिनर रूम में ही मंगा लिया था बिकॉज मुझे थोड़ी सी ठंड लगने लग गई थी आफ्टर द स्नोफॉल एंड ऑल. तब तो मज़े लिए बहुत ज़्यादा, यू नो, खुशी के मारे कि हाँ स्नोफॉल हो रहा है. बट आने के बाद थोड़ी सी ठंड लगी, सो आई डिडंट गो डाउन ऑल्सो फॉर द डिनर. मैंने आज डिनर भी रूम में ही खा लिया. सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग फ्रेंड्स. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ सो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन बिकॉज ओनली देन यूट्यूब विल नोटिफाई यू फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज. एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, मैट एंड लैडल इज माई अकाउंट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. सी यू टुमारो अगेन ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.